के न्यूज़, खबरों की नई पहचान। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार का विरोध कर रही है। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड में धनबाद जिला कांग्रेस ने खेती खलियान बचाओ यात्रा निकाला, जिसमें धनबाद जिला के कार्यकारी अध्यक्ष रविंदर वर्मा सहित कई कांग्रेसी इस धरने में शामिल थे। वहीं धरना पर बैठे कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रविंदर वर्मा ने कहा कि कांग्रेस काला कानून मान रही है। इसके खिलाफ देश भर के किसानों के साथ साथ कांग्रेस लगातार इस कानून को जब तक सरकार वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन करती रहेगी। आज आप लोगों ने जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया, लगातार आप लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला कृषि बिल के खिलाफ, कब तक चलेगा ये? देखिए, जिस दिन लोकसभा में इनकी बहुमत थी उन्होंने पास कराया बिल को, जो किसान विरोधी बिल है जिसको हम अभी आज काला कानून कहते हैं, लेकिन राज्यसभा में इनकी कोई संख्या भी नहीं थी। और उस दिन जिस प्रकार इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करते हुए उस सदन में संविधान को तार तार करते हुए जिस दिन ध्वनि मत से इन्होंने वो बिल को कानून का रूप दिया, पास करवाया, उसी दिन से पूरे देश के किसान और टोटल विपक्षी, तमाम विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी सहित तमाम विपक्षी दल विरोध उसी दिन से शुरू हो गया। और विरोध आज भी आप देख लीजिए कि पूरे देश में जिस प्रकार किसान आज रोड पे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां रोड पे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी ये शपथ लिया है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता तब तक हम सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करते ही रहेंगे।